हेलो गाइस, माय नेम इज बलराम एंड वेलकम बैक टू ऑन चैनल। आज इस वीडियो में हम देखेंगे आज के ट्रेड सेटअप और वीडियो के एंड में हम बात करेंगे आज के कुछ ट्रेंडिंग स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम देखते हैं यूएस मार्केट को, तो कल यहाँ पे डाउ जोन्स, S&P 500 और नेस्टेक को एक रिकॉर्ड लेवल पे यहाँ पे क्लोज होता हुआ देखा जा सकता है, जिसके बाद हम क्रूड ऑयल को यहाँ पे $59 के ऊपर और गोल्ड को यहाँ पे $1800 के नीचे हम यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख पाएंगे, जिसके वजह से आज आपको एशियन मार्केट यहाँ पे रिकॉर्ड लेवल पे ओपन होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि हम सिंगापुर बेस्ड SGX निफ्टी को 14,939 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ देख पा रहे हैं, जबकि निफ्टी का जो फ्यूचर्स है वो हमें करेंटली 14,977 पे यहाँ पे ट्रेड होता हुआ दिखाई देता है, जिसकी वजह से आज आप निफ्टी को 14,900 के ऊपर अपना ओपनिंग देता हुआ यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करते हैं ADR लेवल्स पे, तो यहाँ पे एक मिक्स ट्रेंड हमें देखने को मिलता है। हमें इंफोसिस, टाटा मोटर्स और HDFC बैंक में यहाँ पे एक मार्जिनल सेल ऑफ आज यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और अगर हम देखते हैं कैश मार्केट को, तो अभी भी FIIs हमें नेट बायर्स के तौर पे दिखाई देते हैं, जबकि DIIs मार्केट में नेट सेलर के तौर पे अपने प्रॉफिट बुक करते हुए हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर डेरिवेटिव सेगमेंट में देखा जाए, तो यहाँ पे FIIs के साइड से नेट बेसिस पे एक नेट बाइंग हमें देखने को मिला है, जिसकी वजह से मार्केट में एक तेजी आज भी आपको यहाँ पे दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर ओवरऑल मार्केट के आउटलुक को हम यहाँ पे देखते हैं, तो फरवरी का जो फ्यूचर्स है वो करेंटली 14,890 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसके बाद हम निफ्टी का जो पुट एंड कॉल रेशियो है उसमें भी एक मार्जिनल फॉल को यहाँ पे देख पाएंगे, जिसकी वजह से आज मार्केट में एक तेजी यहाँ पे आपको बनी रहती हुई दिखाई दे सकती है। इसके बाद अगर हम देखते हैं रिसेंटली अनाउंस्ड कुछ Q3 रिजल्ट को, तो यहाँ पे सबसे पहला रिजल्ट है टाटा पावर का, जिसमें रेवेन्यू में ईयरली बेसिस पे 7% का और नेट प्रॉफिट में अराउंड 22% का एक अपसाइड हमें देखने को मिल जाता है। EBITDA को हम 3% यहाँ पे डाउन होता हुआ देख पा रहे हैं, जबकि EBITDA मार्जिन हमें यहाँ पे 23% पे यहाँ पे देखने को मिलता है। एक्सेप्शनल एक्सपेंस इस बार 109 करोड़ का देखा गया है। और अगर बात करें इसके सोलर EPC ऑर्डर बुक के बारे में, तो ये इस बार हमें 10,608 करोड़ यहाँ पे देखने को मिल जाता है। इसके बाद अगर हम देखते हैं ट्रेंड के Q3 रिजल्ट को, तो यहाँ पे रेवेन्यू में अराउंड 17% का एक फॉल को देखा गया है, और वो भी ईयरली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन नेट प्रॉफिट हमें यहाँ पे 43% ग्रोथ होता हुआ दिखाई देता है, जबकि EBITDA में अराउंड 4% का एक अपसाइड यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। EBITDA मार्जिन अराउंड 24.8% है, जो कि पिछले साल हमें सिर्फ 20% पे यहाँ पे देखने को मिल जाता था। यहाँ पे अगर वेस्ट वाइड का रेवेन्यू के ऊपर देखा जाए, तो ये पिछले साल के मुकाबले अराउंड 78% पे देखा गया है। और अगर हम बात करते हैं ऑनलाइन चैनल्स के ग्रोथ के ऊपर, तो यहाँ पे Q3 में इसमें अराउंड 80% का एक ग्रोथ हम इस बार यहाँ पे देख सकते हैं। डालमिया भारत में यहाँ पे रेवेन्यू के ऊपर 18% का एक जंप को देखा जा सकता है, जबकि नेट प्रॉफिट हमें पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 6 times यहाँ पे बढ़ता हुआ देखने को मिल जाता है। तो आज इस स्टॉक के ऊपर आज अपना लॉन्ग ट्रेड आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। EBITDA हमें 53% बढ़ता हुआ दिखाई देता है, जबकि EBITDA मार्जिन को इस बार यहाँ पे 24.3% पे यहाँ पे देखा जा सकता है। सेल्स वॉल्यूम यहाँ पे 14% पे देखा गया है, जबकि EBITDA पर टन को हम यहाँ पे 32% पे यहाँ पे देख पाएंगे। यहाँ पे कंपनी ने अराउंड 1379 करोड़ का अपना एक डेट रीपेमेंट किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे इसका जो नेट डेट टू इक्विटी EBITDA है वो हमें इस बार 0.56 के ऊपर यहाँ पे देखने को मिलता है। गोदरेज एग्रोवेट के केस में यहाँ पे रेवेन्यू हमें 14% फॉल होता हुआ दिखाई देता है, जबकि नेट प्रॉफिट में अराउंड 33% का एक जंप हम यहाँ पे देख पाएंगे। EBITDA अराउंड 12% बढ़ा है, जबकि EBITDA मार्जिन को हम यहाँ पे अराउंड 1.9% यहाँ पे पिछले साल के मुकाबले इंप्रूव होता हुआ देख पाएंगे। एनिमल फीड रेवेन्यू इस बार 23% फॉल हुआ है, जबकि वेजिटेबल ऑयल सेगमेंट में इस बार रेवेन्यू हमें 17% फॉल होता हुआ यहाँ पे दिखाई देता है। फाइनली अगर हम देखते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स को, तो आज यहाँ पे बायोकॉन का जो स्टॉक है यहाँ पे मार्केट में न्यूज में रहने वाला है, क्योंकि इसकी जो सब्सिडियरी है बायोकॉन बायोलॉजिक्स,
उसे क्लिंटन हेल्थ एसेस इनिशिएटिव की ओर से अराउंड 30 कंट्रीज के लिए बायोसिमिलर्स प्रोड्यूस करने का एक ऑर्डर यहाँ पे दिया जा चुका है, जिसकी वजह से यहाँ पे आज इस स्टॉक में आपको एक बुलिश ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। और आज यहाँ पे मिसेस बेक्टर को यहाँ पे क्रिजल की ओर से इसके शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म लोन फैसिलिटी के ऊपर एक रेटिंग दिया गया है और वो रेटिंग यहाँ पे काफी अच्छी बताई जा रही है। और इसकी जो लोन बुक है वो हमें 270 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। बैंक फैसिलिटीज को हम यहाँ पे 270 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं। आईजीएल का ये मानना है दिल्ली में जो पोल्यूटिंग फ्यूल्स है इंडस्ट्रियल यूनिट्स में, उसे करंटली यहाँ पे पाइप नेचुरल गैस के साथ यहाँ पे रिप्लेस किया जा चुका है, जिसकी वजह से आज स्टॉक में भी एक बुलिश साइड यहाँ पे आज आपको दिखाई दे सकता है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ने यहाँ पे बीपीएल मेडिकल टेक्नोलॉजीज के साथ अपना एक एमओयू साइन किया हुआ है, जिसके चलते यहाँ पे अफोर्डेबल हेल्थ केयर सेगमेंट में इसकी एंट्री होने वाली है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विस को यहाँ पे एमसीएक्स का जो कमोडिटी डेरिवेटिव प्लेटफॉर्म है उसे डिजाइन करने का एक कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, जिसकी वजह से स्टॉक में एक तेजी यहाँ पे आज आपको दिखाई दे सकती है। आईआरएफसी ने फिर से यहाँ पे इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स की मदद से यहाँ पे 10-year डॉलर नोट को यहाँ पे सेल किया हुआ है, जिससे कंपनी ने अराउंड 750 मिलियन डॉलर्स का एक फंड यहाँ पे रेज किया हुआ है और ये कूपन रेट यहाँ पे 2.8% पे यहाँ पे सेट किया गया है। और इन सब के बाद अगर हम बात करते हैं आज के Q3 रिजल्ट के ऊपर, तो आज ब्रिटानिया, महिंद्रा एंड महिंद्रा, आदित्य बिरला कैपिटल, एल्केम लेबोरेटरीज, अशोक बिल्डकॉन, मिसेस बेक्टर, कैडिला हेल्थ केयर, चोलामंडलम फाइनेंशियल होल्डिंग, डालमिया भारत, इक्विटास होल्डिंग, फ्यूचर कंज्यूमर, गल्फ ऑयल, गुजरात गैस जैसे कुछ कंपनीज अपना Q3 रिजल्ट हमारे साथ शेयर करते हुए दिखा दे सकते हैं। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम यहाँ पे एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मैं मिलूंगा आपको अगले वीडियो में, एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।